एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। माना जा रहा है कि एलआईसी लिस्ट होने के बाद मार्केट कैपिटल के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ सकती है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक अगले कारोबारी साल की दूसरी छमाही के बाद एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। सरकार की इस पहल से निवेशकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जिसने भी एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है उन्हें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना भी एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में बनी एलआईसी की कुल संपत्ति इस वक्त करीब 36 लाख करोड़ रुपए की है। एलआईसी अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार एक हिस्सा बेचने के लिए शेयर मार्केट में आईपीओ लाएगी। इस आईपीओ के जरिए मोदी सरकार का 72,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इससे सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य और वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। Listing of companies on companies stock exchanges brings discipline and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ये भारतीय बाजारों के सऊदी अरामको को लिस्टिंग करने जैसा होगा। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद एलआईसी मार्केट कैप के हिसाब से देश की बड़ी कंपनी बन सकती है। एलआईसी का मार्केट कैपिटल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। एलआईसी की संपत्ति का 10% हिस्सेदारी के बराबर के आईपीओ को भी बाजार के लिए संभालना मुश्किल होगा। सरकार इसका विनिवेश कई चरणों में कर सकती है। ये दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सऊदी अरामको को पिछले साल दिसंबर में सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कराया गया था। कंपनी का वर्तमान मूल्य 117.82 अरब डॉलर है। भारतीय शेयर बाजार में एलआईसी सालाना औसतन 55 से 65 हजार करोड़ रुपए निवेश करती है। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी ने बाजार में 68,621 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। एलआईसी ने शेयरों में निवेश से 23,621 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी की कुल निवेश 28,74,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही एलआईसी की कुल संपत्ति बढ़कर 31,11,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। इस अवधि में प्रीमियम से आयकर बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा। एलआईसी की कुल कमाई 5,60,000 करोड़ रुपए के करीब रही। तमाम बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो ये मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। मौजूदा समय में मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है।